हे गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको रियलमी नार्जो 20 प्रो को कंपेयर कर दिखाने वाला हूँ पोको M2 प्रो के साथ। और ये दोनों फ़ोन जो है वो सेम ही बजट में आते हैं। थोड़ा बहुत जो है आपको प्राइस डिफरेंस मिलेगा। जो पोको M2 प्रो है इसका जो प्राइस है वो है 13,999 रुपीज़। वहीं आपको रियलमी नार्जो 20 का जो प्राइस है वो है 14,999 रुपीज़। सो गाइज, मैं आपको इन दोनों फ़ोन को कंपेयर कर बताने वाला हूँ कि कौन से फ़ोन में क्या कुछ मिलने वाला है। सो गाइज, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तब आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले में आपको रियलमी नार्जो 20 प्रो में 6.5 इंच का IPS फुल HD प्लस जो है आपको डिस्प्ले मिलता है 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ। वहीं आपको पोको M2 प्रो में जो है आपको 6.67 इंच का HD प्लस LCD डिस्प्ले मिलता है, और इसमें आपको जो है वो रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़ का मिलता है। और गाइज, इन दोनों फ़ोन में आपको पंच होल कैमरा मिलता है। एक में आपको सेंटर पंच होल मिलता है और एक में आपको जो है वो साइड पंच होल जो है आपको मिलता है। और उन दोनों पंच होल में जो है आपको 16 मेगापिक्सल का सोनी का कैमरा जो है वो लगाया गया है। और गाइज, इन दोनों में जो है आपको बैक साइड में 4 कैमरा मिलता है। सो गाइज, आप रेयर कैमरे के बारे में बात करते हैं तो रियलमी नार्जो 20 प्रो में आपको 4 कैमरे देखने को मिलते हैं। 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2+2 का जो है वो 4 कैमरे का जो है वो सेटअप बैठाया गया है रियलमी नार्जो 20 प्रो में। वहीं आपको पोको M2 प्रो में जो है आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस प्लस 8 मेगापिक्सल का जो है वो अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ इफेक्ट के लिए जो है वो कैमरा लगाया गया है। और गाइज, इन दोनों में जो है आपको फ्रंट में रियलमी नार्जो 20 प्रो में गोरिल्ला ग्लास 3 का जो है वो प्रोटेक्शन लगाया गया है। वहीं आपको पोको M2 प्रो में गोरिल्ला ग्लास 5 का जो है वो डिस्प्ले मिलता है। आपको जो है वो प्रोटेक्शन दिया गया है गोरिल्ला ग्लास 5 का। और गाइज, इन दोनों में जो है आपको मैं आपको प्रोसेसर के बारे में बता देता हूँ। तो रियलमी नार्जो 20 प्रो में जो है आपको MediaTek का हीलियो G95 का जो है वो प्रोसेसर दिया गया है। वहीं आपको पोको M2 प्रो में स्नैपड्रैगन का 720G का जो है वो प्रोसेसर इसमें लगाया गया है पोको M2 प्रो में। और गाइज, ये तो हो गया प्रोसेसर का। अब बात करते हैं इन दोनों के बैटरीज के बारे में। तो बैटरी में क्या डिफरेंसेस हैं, तो रियलमी नार्जो 20 प्रो में जो बैटरी मिलता है वो आपको 4500 mAh का बैटरी मिलता है। 65W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट दिया गया है टाइप सी के साथ। और ये कंपनी क्लेम कर रही है कि 38 मिनट में जो है वो ये पूरे डिवाइस को फुल चार्ज कर देगी। वहीं आपको पोको M2 प्रो में जो है वो आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है 33W के फास्ट चार्जर के साथ। टाइप सी का सपोर्ट दोनों में दिया गया है। और दोनों का जो वेरियंट है वो सेम मिलता है, 6GB रैम एंड 64GB का जो है आपको वेरियंट मिलता है इन दोनों में। और गाइज, इन दोनों में जो है वो आपको एंड्रॉयड 10 बेस्ड आपको जो है वो दोनों फ़ोन मिलेंगे। रियलमी नार्जो 20 प्रो में जो है आपको रियलमी UI का सपोर्ट मिलता है। वहीं आपको पोको M2 प्रो में जो है आपको MIUI का सपोर्ट मिलता है, स्किन मिलता है। और गाइज, पोको M2 प्रो में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, जैसे कि उसमें आपको जो है वो P2i कोटिंग जो है वो दिया गया है, जिससे जो है वो स्प्लैश प्रूफ एंड स्वेट प्रूफ ये फ़ोन बनता है। और पोको M2 प्रो में जो है टच पुलिंग फॉर एडवांस गेमिंग जो है आपको दिया गया 120 हर्ट्ज़ का। और इन दोनों में आपको जो है वो 3.5mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। सारे सेंसर्स आपको अच्छे मिल जाते हैं। और दोनों में जो है आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। सो गाइस, दोनों ही फ़ोन जो है वो अपने अपने प्राइस सेगमेंट में बेस्ट है। आप अगर परचेस करना चाहते हैं एक लेटेस्ट डिवाइस जो रियलमी नार्जो 20 प्रो में मिल रहा है, इसमें आपको 65W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल रहा है, प्लस आपको इसमें 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल रहा है। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये कंपैरिजन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।